मुजफ्फरपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद है। एक बार फिर अपराधियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। जी हां, इस बार रजिस्ट्री ऑफिस के बाहर बाइक सवार तीन अपराधियों ने अहियारपुर इलाके के बड़ा जगन्नाथ की रहने वाली महिला रुखसाना खातून से 9,30,000 लूट कर सदर अस्पताल रोड की तरफ फरार हो गए। स्थानीय लोगों की सूचना के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी। रुखसाना खातून ने बताया कि बाइक सवार तीन अपराधियों ने पहले बात की और बाद में पिस्टल तान दी। डर के मारे कुछ नहीं बोले और इसी बीच वो पैसा का थैला छीन कर फरार हो गए। जमीन रजिस्ट्री का ये पैसा था। पहले आए और बात किया, उसके बाद में हमको पिस्टल गिरा दिया और हम डर से कुछ बोले नहीं। पैसा पासे में लिए हुए थे और लिए और भाग चले। कितना पैसा था? 9,30,000। किस चीज का पैसा था? जमीन रजिस्ट्री हुआ। कहाँ जमीन है? बारह जगह। ये घटना कहाँ पे हुआ है? यहाँ पे हुआ है। कितने लोगों के, कितने की संख्या में थे वो लोग? वो लोग 8-10 की संख्या, तीन यहाँ पे। उनको बोलने दीजिए कितने तीन आदमी थे। बाइक से थे या? बाइक से थे। एक हाफ पैंट टी शर्ट में है और एक जींस टी शर्ट। अरे पहचान के नाम बताइए ना। और एक नसीम है और एक राजन गुप्ता है, एक आमिर नाम का लड़का है। ये तीनों कहाँ का है? तीन, एक चकसन का, एक बारह जगन्नाथ का, एक बालूघाट का। अच्छा, यही सब पैसा आपका छीना? मुंह में कुछ बांधे हुआ था कि ना? कुछ भी नहीं, पूरा ऐसे खुला। शोरूम नहीं मचाए हैं आप? ना, जब तक पिस्टल गिरा हुआ तुम कुछ नहीं बोले हैं। जब वो निकले जब तक हल्ला के लोग आ भाग चला। सबके हाथ में हथियार था? हथियार सबके हाथ में था? ना, एक आदमी। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? कराने के लिए इनका 9,30,000 रुपया लेके भाग गया। ये एक नसीम अंसारी है, एक राजन है और एक चौकौसन का, क्या नाम है उसका, क्या आमिर, एक आमिर है। इन लोग का रिकॉर्ड बहुत, मतलब पहले से सैकड़ों रिकॉर्ड है, सैकड़ों केस में जेल अपराधी टाइप पे है, इसमें जेल जा चुके हैं ये लोग। इन लोग का खंगाला जाइए। और इनसे पहले भी रंगदारी मारा गया था, जो हम लोग के एरिया ही किए हैं ये, तो ये हमारे पास भी आई थी। अय्यापुर थाने में एक FIR भी दर्ज हुआ था इनका, जो 86 FIR नंबर इनका 86-22 है। उसके एवज में उसने फिर अय्यापुर में पैसा दे के उसने काउंटर केस किया, जो कि आज अय्यापुर थाना अगर एक्टिव हो जाती, इस गरीब महिला को इंसाफ मिल जाता, आज इनका पैसा नहीं छीनाता। वही लोग रंगदारी मांगा था? हाँ, रंगदारी वही लोग मांगा था, तभी तो पहचानती है ये। आराम से 15 धूर जमीन ले रहे थे। अच्छा जी, सारा पैसा लेन देन अभी नकद हुआ था। कितना पैसा लेन देन? 9,30,000 रुपया। अच्छा, तो इनको दिए, इनको बाहर बुला करके जो है पैसा इनसे छीन लिया। समझे, अभी मेरा इकरार भी नहीं हो पाया। कौन छीना है आप देखे हैं? हाँ, वो नसीम था और उसके साथ दो आदमी और था जिसका हम नहीं पहचानते हैं। हथियार हथियार हो गया था उन लोगों के पास? हम हथियार नहीं देखे, लेकिन तीन आदमी से इनसे जैसे झुका झुकी कर रहा था। हाँ, पैसा किस चीज में रखा गया था? थैला में था। थैला बैग छीन के भाग गए? जी। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इस्तेखार। कितना जमीन ले रहे थे? 15 धूर जमीन। कहाँ पे जमीन है? बारह जगन्नाथ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम भी बारह जगन्नाथ के रहने वाले हैं। क्या करते हैं? लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।